बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एंटी डिप्रेसेंट। हमने अब शुरू किया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS फार्माकोलॉजी का चैप्टर 4 है ये। तो इसके अंदर हम ड्रग इफेक्टिंग CNS जो ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ थ्री टाइप ऑफ ड्रग, न्यूरो डीजनरेटिव ड्रग्स जिसमें लिगोडोपामाइन थी, उसके बाद एनएक्सडीलेटेगो हैप्नोटिक ड्रग्स, और उसके बाद सीन स्टिमुलेंट, और फोर्थ टाइप ऑफ ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो आज हम एंटी डिप्रेसेंट को डिस्कस करेंगे। इन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लुक्सोटाइन, डिलुक्सोटाइन, मीटाज़ेपाइन, एमिट्राइपेटेलाइन और फिनाइलज़ाइन। ठीक है, ये फाइव टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं जो CNS के ऊपर इफेक्ट करती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो लेक्चर 17 है, इससे पहले 16 लेक्चर मैं आपके फार्माकोलॉजी के बना चुका हूँ। अगर वो आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर ये लेक्चर सुन सकते हैं। फर्दर आप इसको अपना इन लेक्चर को आप प्रीवियस लेक्चर को सुनने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर तो अब मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू करा दूं। जो अभी जो चैप्टर 4 चल रहा है इसके अंदर हम जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो इसका ओवरव्यू थोड़ा सा हो जाए कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ रहे हैं और आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक छोटी सी डायग्राम बनाई है जिससे आपको पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी। तो दिस इज़ माई ओन एफर्ट्स। तो ड्रग इफेक्टिंग CNS इसके ऊपर आ जाती हैं, ये न्यूरो डिजेनरेटिव हैपनेट एनेक्सोलेटिक हैपनोटिक ड्रग्स, सीन स्टिमुलेंट एंटी डिप्रेशन ड्रग और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स और एंटी लेप्टिक ड्रग्स। तो इससे इसमें जो छः टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं ये इस चैप्टर में हैं। इससे जो पहली जो तीन टाइप्स हैं न्यूरो डिजेनरेटिव एनेक्सोलेटिक हैपनोटिक और सीन स्टिमुलेंट, ये तीन हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम जो आज पढ़ेंगे आज का मल टॉपिक एंटी डिप्रेशन ड्रग। ठीक है, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग आज हम डिस्कस करेंगे। जो न्यूरो डिजेनरेटिव ड्रग्स थे उसके अंदर आता था लिवोडेपा। लिवोडेपा का दूसरा नाम था एंटी पार्किंसन, एंटी पार्किंसन ड्रग्स था इसका लिवोडेपा का दूसरा नाम। ठीक है, तो ये हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ रिव्यू ओवरव्यू दे रहा हूँ कि CNS के ऊपर कौन सी ड्रग इफेक्ट करती हैं। लिवोडोपा है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हैं एनएक्सिलेटिव हेपनोटिक में आ जाती हैं बेंजोडाइजिपाम, बारबिचुरेट्स और बस पुरान। ठीक है ना, ये भी तीनों ड्रग्स जो हैं जो हैपनेटिक इनसेडेटिव CNS के ऊपर इफेक्ट करती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हैं CNS स्टिमुलेंट, हमने पढ़ा था CNS स्टिमुलेंट में आ जाती है साइकोमोटर स्टिमुलेंट और हेलुसिनोजन। ठीक है, तो साइकोमोटर स्टिमुलेंट में आता था कोकीन और निकोटीन, हेलुसिनोजन में आता था LSD। ठीक है, इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में आ जाता है फ्लुक्सोटाइन, जिसको SSRI भी कहते हैं, डिलुक्सोटाइन SNRI भी कहते हैं, मीटाज़ेपाइन जो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, एमिट्राइपेटेलाइन जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, और फिनाइलज़ाइन का दूसरा नाम है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, MOI और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये आज का टॉपिक होगा एंटी डिप्रेशन ड्रग। तो आगे फ्यूचर में हम पढ़ेंगे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, उसके अंदर आता है क्लोरोप्रोमाजाइन, हेलोपेरिडोल और कोलाज़ेपाइन। ये ड्रग्स के नाम हैं। तो आपको ड्रग्स के नाम फार्माकोलॉजी के अंदर आपको जो है ज़्यादातर आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो ड्रग्स के नेम होंगे, और उन ड्रग्स का जब हम नाम पढ़ लेंगे तो उसके आपने थेरापिटिक इफेक्ट, उसके एडवर्स इफेक्ट और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, ये चीज़ें आपको इसके अंदर फार्माकोलॉजी में मिलेंगी। तो ये मेन इसकी फार्माकोलॉजी के एहसास है, यानी ये अगर आप नहीं करेंगे ड्रग्स के नेम या उसके जो फार्माकाइनेटिक्स हैं, फार्माडायनामिक्स हैं, ये नहीं याद करेंगे तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि आप इन ड्रग्स के नेम्स को और इनकी जो है इसका जो मेटा डाटा है यानी इसके मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स मैंने आपको बताया, अब हैं
नेक्स्ट फीचर में पढ़ेंगे एंटीलेप्टिक ड्रग्स। एंटीलेप्टिक ड्रग्स में आएगा बेंजोडाइजेपाम, गाबा एनालगस और फेनोटाइन। ये फेनोटाइन्स ये है हमारे फ्यूचर का टॉपिक है। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट में ये सारी ड्रग्स आ जाती हैं, फ्लुक्सोटाइन, डिलिक्सोटाइन, मीटरज़ेपामाइन और एमीट्राईपेटालाइन और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये तमाम क्या हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, सबसे पहली जो ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट में उनमें आ जाती है फ्लुक्सोटाइन। फ्लुक्सोटाइन को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRI भी कहते हैं। इन शॉर्ट हम इसका जो पहला पहला वर्ड है एस, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI। तो ये इसका काम क्या होता है, ये तो पहली बात है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब है कि CNS के अगर हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस का शिकार है, हम जो है किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में चले गए हैं, तो उस दर से निकलने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं उनको हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। उनमें पहली है फ्लुक्सोटाइन। फ्लुक्सोटाइन क्या है, इट इज़ स्पेसिफिकली इनहेबिट सेरोटोनिन अपटेक। सेरोटोनिन जो है हमारे ब्रेन का एक हार्मोन है, तो वो हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा हो तो डिप्रेसड में चले जाते हैं। तो फ्लुक्सोटाइन क्या करती है, सेरोटोनिन के अपटेक को इनहेबिट करती है, उसको रोकती है। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी जो न्यूरॉन्स को के दौरान न्यूरॉन को कनेक्ट करने के दौरान जो जगह होती है जिस पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक, तो उस जगह को सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। जब न्यूरो ट्रांसमीटर इसका सेरोटोनिन इनहेबिट होता है तो वहाँ पर जो सिनेप्टिक लेफ्ट होता है वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज़ यूज इन डिप्रेशन एंड जो जो वहाँ पर बढ़ना होता है न्यूरो ट्रांसमीटर का, तो वो कहाँ इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज इन डिप्रेशन एंड जनरलाइज एनेक्सी डिसऑर्डर एंड पेनिक डिसऑर्डर। तो इसको हम जनरलाइज एनेक्सी डिसऑर्डर और पेनिक डिसऑर्डर में इसको इस्तेमाल करते हैं सेरोटोनिन को। ठीक है, तो एंग्जायटी का मतलब आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा परेशानी, हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस सिचुएशन में चला गया होता है, तो तब हम ये इस्तेमाल करते हैं फ्लुक्सोटाइन्स। ठीक हो गया, फ्लुक्सोटाइन के फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाता है हमारा जो है इसके अंदर आ जाता है आल SSRI यानी फ्लुक्सोटाइन आर वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जब हम इसको बाई माउथ लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसकी हाफ लाइफ है 16 और 16 घंटे, इसकी हाफ लाइफ है यानी 16 से 36 घंटे तक, यानी हमारी हाफ जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक हो गया, एडवर्स इफेक्ट इसके हैं, हैंडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, सेक्सुअल डिसफेक्शन हो सकती है। ठीक है, ये इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो एक हम चीज़ को हम चैट करने लगते हैं तो 10 और निकल आती हैं उसकी बीमारियाँ। तो बेहतर है कि आप जितना जो है मेडिसिन से दूर रहेंगे उतना आप जो है सेहतमंद रहेंगे। तो वही बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। अगर इलाज जो है वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है एहतियात से भी। नेक्स्ट जो आज की एंटी डिप्रेशन ड्रग है वो उसका नाम है डिलिक्सोटाइन। डिलिक्सोटाइन का दूसरा नाम है सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। डिलिक्सोटाइन क्या करती है, एट ऑल डोजेज इट इनहेबिट बोथ सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, यानी जितनी भी डोज होती हैं इसके ऊपर ये इनहेबिट यानी रोकती है सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन को। जैसे फ्लुक्सोटाइन थी वो रीअपटेक रोकती थी किसकी, सीरोटोनिन की, और डिलिक्सोटाइन जो है नोरएपिनेफ्रिन के साथ साथ सीरोटोनिन की भी रीअपटेक को रोकती है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक लेफ्ट होता है वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर की मकदार बढ़ जाती है, जिससे हमें जो है एंटी डिप्रेसेंट से निकल आते हैं। और इसके बाद इसका छोटा सा आगे लिखा हुआ है
फार्माकोकाइनेटिक्स, उसमें ये लिखा हुआ है इट मेटाबोलाइज इन लीवर, लीवर के अंदर ये हल हो जाती है। इट 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 नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद हेपेटिक इंसफिशेंसी, यानी जिस जो पेशेंट में हेपेटिक इंसफिशेंसी हो यानी लीवर डिस्टर्बेंस हो, जिसका लीवर काम ना कर रहा हो, तो उसके अंदर ही इसको डेलिक्सोटाइन को हम नहीं देते, नहीं एडमिनिस्ट्रेट करते उस पेशेंट को जिसको हेपेटिक इंसफिशेंसी की डिसीज हो। मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यानी जो मेडिसन जो है डेलिक्सोटाइन जो है हमारी मेटाबोलाइट हो जाती है, उसके बाद वो यूरिन के जरिए से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, बाहर हो जाती है, आउट हो जाती है। ठीक है, डेलिक्सोटाइन क्या होता है? फूड डिले अब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, यानी अगर हमने डेलिक्सोटाइन से पहले हमने कोई खाना वगैरह खा लिया, तो इससे एब्जॉर्प्शन टाइम जो है डेलिक्सोटाइन का कोई इफेक्ट हो सकता है, एब्जॉर्प्शन जो है डेलिक्सोटाइन की लेट हो सकती है। ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ है 12 आवर्स, ये इसका डेलिक्सोटाइन है। मुख्तसर से ये ड्रग्स हैं, इसके मुख्तसर से इंट्रोडक्शन है, आपने पढ़ा है। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि ये सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को रोकती है, इनहेबिट करती है, और ये यूरिन के जरिए से एक्सक्रीट हो जाती है। इसका फूड जो है, फूड का जो आप खाते हैं उससे इसका एब्जॉर्प्शन टाइम डिले हो सकता है, इसकी हाफ लाइफ 12 आवर है। ये मेन मेन पॉइंट है डेलिक्सोटाइन के। डेलिक्सोटाइन के बाद जो आती है हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, उसका नाम है मीटाजापाइन। मीटाजापाइन को हम अटेपिकल एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं। ये इस तरह की जो बातें होती हैं, एक ड्रग्स के दो दूसरा सिनोनिम्स नाम होता है, इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव्स कवर करने में हेल्प करते हैं। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है व्हाट इज अनदर नाम ऑफ मीटाजापाइन, तो आपको ऑप्शन होती है अटेपिकल डिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट या मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो आप इसमें क्या फरमाएंगे कि ये अटैपिकल एंटी डिप्रेसेंट, यानी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हेल्पफुल इन टू कवर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप्स को कवर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, मीटाजेपाइन का दूसरा नाम है अटैपिकल एंटी डिप्रेसेंट, और इसका काम क्या होता है? इट वर्क्स एज एगोनिस्ट फॉर सेरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। नोरएपिनेफ्रिन यानी जो बाकी दो ड्रग्स हमने पढ़ी हैं, फ्लुक्सोटाइन एंड डेलिक्सोटाइन, वो नोरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन को जो है उसको इनहेबिट करती थी, रोकती थी, और ये क्या करती हैं, एगोनिस्ट हैं, यानी ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। तो बढ़ा कर भी हम अपनी एंटी डिप्रेशन सिचुएशन में निकल आ सकते हैं, और उसको रोक कर भी निकल कर सकते हैं। जो अगर एगोनिस्ट के तौर पर कैसे निकलते हैं, मीटाजेपाइन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करके। मीटाजेपाइन जब ड्रग हमें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, खाती हैं, तो ये क्या करती है, इट ब्लॉक प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर। जो ब्रेन के अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर, उनको क्या करती है, रोक देती है मीटाजेपाइन। इट डज नॉट कॉज एंटी मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट। जो एंटी मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट होते हैं, यानी हमारे जो स्मूथ मसल्स के जो इफेक्ट होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, उसके ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। यानी ये जस्ट क्या करती है, प्री सिनेप्टिक के ऊपर जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है मीटाजेपाइन। इसके बाद इट इंक्रीज एपीटाइट एंड वेट गेन फ्रीक्वेंटली। ये क्या करती है, जो हमारा एपीटाइट होता है, जिस्म के अंदर एक फ्लूड होता है उसको हम एपीटाइट कहते हैं, वो बढ़ जाता है, और वेट जो है उसका वेट ज़्यादा हो जाता है फ्रीक्वेंटली, इसका वेट बढ़ता रहता है। यानी इसके साइड इफेक्ट आ गए। इट इज़ सेडेटिव विच मे यूज इन स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी जिसको नींद की बीमारी है, यानी जिसको नींद प्रॉपर नहीं आती, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकती है मीटाजेपाइन। मीटाजेपाइन यानी जितने भी एंटी डिप्रेसेंट हैं उसको कहीं ना कहीं सेडेटिव डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मीटाजेपाइन है। मीटाजेपाइन के बाद आता है एमीट्राइपेटालाइन। एमीट्राइपेटालाइन का दूसरा नाम है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसी तरह मैं आपको दोबारा बताऊँ कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है आपको एमसीक्यूज़ में ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी ऑप्शन आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ड्रग इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो ड्रग का नेम आ सकता है इसमें एमीट्राईपेटालाइन, फिनाइलएथाइन, मीटाजेपाइन, डेलिक्सोटाइन। तो आपने राइट ऑप्शन इसमें क्या बतानी है, एमीट्राईपेटालाइन। यानी ये आपका एक एमसीक्यूज़ कवर हो गया कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का नाम क्या है, एमीट्राईपेटालाइन। एमीट्राईपेटालाइन क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। इसका काम क्या है, इट ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन इनटू न्यूरॉन। यानी ये
एमी ट्राईपेटेलाइन एमीटाजोपाइन दोनों जो है ब्लॉक करती हैं रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन को, कि यहाँ पर न्यूरॉन्स के अंदर जो रीअपटेक होती है सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन की, उसको इन्होंने क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है एमी ट्राईपेटेलाइन ड्रग ने। एमी ट्राईपेटेलाइन या ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जो है ब्लॉक करती है सेरोटोनर्जिक अल्फा एडिनर्जिक हिस्टामिनिक मस्कुरेनिक रिसेप्टर, यानी सेरोटोनर्जिक ये जो रिसेप्टर के नाम है सेरोटोनर्जिक और अल्फा एडिनर्जिक और इसके बाद हिस्टामिनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर, ये फैक्टर जो होते हैं ना हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स के ऊपर पाए जाते हैं, और इनके असर की वजह से जो है हम डिप्रेशन के ऊपर चले जाते हैं। तो इनको क्या कर देती है, एमीट्राईपेटेलाइन ब्लॉक कर देती है इसकी एक्टिविटी को, जिससे हम डिप्रेशन सिचुएशन में से निकल आते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मूड चेंज, इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं हमारे मूड अच्छा करने के लिए इस्तेमाल होती है, फिजिकली मेंटली तौर पर हम इससे एक्टिव हो जाते हैं एमीट्राईपेटेलाइन को एडजस्ट करने से। तो इसके दूसरे फायदे भी ये हैं, इट हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन एंड पैनिक डिसऑर्डर, जो पैनिक डिसऑर्डर होता है यानी हमारे शदीद जो पेन होती है उधर से भी, उससे निकलने में भी, उससे रिलैक्स करने में भी, पैनिक डिसऑर्डर को भी रिलैक्स करने में भी इस्तेमाल होती है एमी ट्राईपेटेलाइन या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, फार्माकाइनेटिक्स क्या है, यानी किस तरह ये द्वार होती है, ड्यू टू लिपोफिलिक नेचर, यानी ये पहली बात है लिपोफिलिक नेचर होती है जो एमी ट्राईपेटेलाइन होती है, इस वजह से ये वेल अब्जॉर्ब हो जाती है ओरल एडजेस्टेशन, यानी इसको बाई माउथ हम लेते हैं, यानी इंजेक्शन के जरिए से नहीं लेते बल्कि हम इसको टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं बाई माउथ। दे आर वाइडली एक्सप्रेटर इन दी बॉडी, यानी ये पूरी जिसम के अंदर फैल जाती है जब हम इसको बाई माउथ लेते हैं। तो दीज एजेंट्स आर वेरी एबल इफेक्ट हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ मुख्तलिफ होती है 4 to 17 आवर्स होती है, यानी कम से कम 4 घंटे से ज़्यादा 17 आवर्स, यानी 17 घंटे भी लग सकते हैं इसको ऑब्जॉर्व होने में एमी ट्राईपेटेलाइन को। जो मेटाबोलाइज्म होती है इसकी, यानी जो हजम हो जाती है ड्रग, वो लीवर के जरिए से या यूरिन के जरिए से बॉडी बॉडी से बाहर हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के जरिए से और मेटाबोलाइज होती है वहाँ पर लीवर में। ठीक है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादातर लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं, तो इस बात को आप नोट कर लें। जो लास्ट जो आज की ड्रग है उसका नाम है फिनाल्जाइन। फिनाल्जाइन एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। फिनाल्जाइन का दूसरा नाम है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। फिनाल्जाइन क्या करती है, इट इज माइटोकॉन्ड्रियल एंड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम फाउंड इन नर्व, यानी ये लफ्ज दो दफ़ा आ गया इसमें, इसमें आप इसको ना एक काट दें, यानी फिनाल्जाइन जो है ये कहाँ पर जाती है, हमारी नर्व्स में, ये नर्व्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वहाँ पाई जाती हैं, न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती हैं, उसके बाद ये दूसरे टिश्यू में वहाँ भी पाई जाती हैं फिनाल्जाइन्स, यानी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यानी ये हमारी बॉडी का पार्ट है, ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म जो है फिनाल्जाइन को प्रोड्यूस करता है नर्व्स के अंदर या दूसरे टिश्यूज के अंदर। इन न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के में मोनोमाइन ऑक्सीडेज फंक्शंस एज इनएक्टिव एनी एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन, एनी एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन, यानी जब किसी भी न्यूरोट्रांसमिशन की ज्यादती होती है तो तब मोनोमाइन ऑक्सीडेज क्या करता है, उसको उसकी ज्यादती को इनएक्टिव करने के लिए काम करता है जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है वो। ठीक है, तो अगर मोनोमाइन ऑक्सीडेज हमारी बॉडी के अंदर है वो काम ना कर रहा हो तो हमें एक्सटर्नली फिनाल्जाइन ड्रग्स के जरिए से उसको हम बॉडी को वो पूरा करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं फिनाल्जाइन को। जब फिनाल्जाइन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो क्या करती है, इट इंक्रीज स्टोरेज ऑफ नोरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन डोपामिन, यानी जो तीनों जो ब्रेन के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका नाम है नोरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के, इनकी जो है स्टोरेज को बढ़ा देती है फिनाल्जाइन, जिससे क्या होता है विद इन न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के अंदर इनकी स्टोरेज बढ़ जाती है स्टेबल कम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के स्टेबल कम्प्लेक्स के साथ, यानी जब भी हम फिनाल्जाइन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो नोरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन डोपामिन जो है हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर इनकी स्टोरेज बढ़ जाती है स्टेबल कम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका एक्शन ये होता है, इट इज़ यूज टू इनहेबिट द एक्शन ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, हमारी बॉडी के अंदर जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहेबिट होते हैं
इनहेबिटर होते हैं, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहेबिटर, वो क्या होते हैं, इससे इनहेबिट हो जाते हैं, उसकी एक्शन, उसका वर्किंग रुक जाती है एंड इनहांस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब न्यूरो ट्रांसमीटर की एक्टिविटी बढ़ेगी तो हम एंटी डिप्रेसेंट सिचुएशन से निकल आएंगे। फिनाजाइन का जो थेरापिटिक यूज़ है वो ये है, फिनाजाइन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। इट आल्सो यूज बाई पेशेंट विद लो साइकोमोटर एक्टिविटी, यानी जिसकी साइकोमोटर एक्टिविटी लो होती है, कम होती है, उसमें भी ये फिनाजाइन इस्तेमाल होती है। साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब है कि उसके जो है ब्रेन जो है मेंटली तौर पर वो एक्टिव नहीं है, या वो मेंटल तौर पर लेजी हैं, फिजिकली लेजीपन है उसके अंदर, तो उसको साइकोमोटर जो पेशेंट होते हैं जो फिजिकली या मेंटल तौर पर लेजी होते हैं उसको एक्टिव करने के लिए भी फेनाजाइन इस्तेमाल की जाती है, उसको भी ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसको बाई माउथ लिया जाता है, और बाई माउथ ही वेल एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर। इट मेटाबोलाइज इन लीवर, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाती है, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है। यानी जितनी भी हमने आज की ड्रग पढ़ी, एंटी डिप्रेसेंट, फ्लुक्सुटाइन, डिलुक्सुटाइन, एमिरिटाज़ापाम, एमिट्राइपेटलाइन और फेनाजाइन, ये सब जो है बाई माउथ ओरली एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, और और लीवर के अंदर ये मेटाबोलाइज होती हैं, यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती हैं, सब में ये बातें कॉमन हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके ये हैं कि इसके हैंडक यानी सर में दर्द हो सकता है, स्टिफ नेक, गर्दन में खिंचाव पैदा हो सकता है, और टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट आपका, हार्ट बीट जो है ज़्यादा हो सकती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आपको शूट कर सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट है जो आज का आपने लेक्चर सुना है कि आपको किस लेवल तक, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने इसको एमसीक्यूज को ज़रूर अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर मुझे ज़रूर देना है किसी भी फॉर्म में, ईमेल की शक्ल में या व्हाट्सएप की शक्ल में या कमेंट्स की शक्ल में। तो क्वेश्चन ये है कि विच ड्रग यूज फॉर मूड चेंज एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, कौन सी ड्रग हम मूड चेंज में इस्तेमाल करते हैं, मेटाज़ेपाम, एमिट्राइपेटलाइन, फिनाजाइन, फ्लुक्सुटाइन, इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो वो आपने बतानी है कि कौन सी ऑप्शन सही है, एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स, आज हमने एंटी डिप्रेशन ड्रग्स पढ़ी है, नेक्स्ट भी न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स पढ़ेंगे। न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स में क्लोरोप्रोमाजाइन, हेलोपेरिडोल, कोलाजेपाइन, ये तमाम ड्रग्स पढ़ेंगे। इसी तरह हम जो है तमाम चैप्टर स्टेप बाई स्टेप कवर करेंगे, जो ड्रग इफेक्ट करती हैं सीनियर्स के ऊपर, और स्टेप बाई स्टेप हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे फार्माकोलॉजी का जो आपके सिलेबस में शामिल है फार्मेसी टेक्नीशियन के। तो आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं ताकि आप मुकम्मल लेक्चर से, सिलेबस से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।